क्लास नाइन्थ का चलते हैं दोस्तों 4.3 क्वेश्चन टॉपिक है ग्राफ ऑफ ए लाइन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना। देखिए तो दो चरवल रेखीय समीकरण का लेख, तो इसका फॉर्मूला है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो देखिए तो दो भागों में बटा गया, एक्स यानी यहाँ से यहाँ प्लस और ऊपर बाई गया प्लस, यहाँ माइनस ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए इसमें नाम है, एक्स का नाम है ओरिजेंटल लाइन्स ऑफ सीसा यानी कि क्षैतिज रेखा और भुज। ओ को बोलते हैं दोस्तों मूल बिंदु ओरिजिन 0 0 एंड एक्स का 0 बाई का 0। बाई होता है दोस्तों वर्टिकल्स ऑर्डिनेट एंड कोटि ऊर्ध्वाधर रेखा ठीक है। और यहाँ पे बाई एक्सिस इज द स्ट्रेंथ लाइन पैरेलल, बाई एक्सिस क्या समांतर रेखा होता है एक्स पावर ए। अगर दोस्तों यहाँ पे होगा द ग्राफ ऑफ द स्ट्रेंथ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस यानी अलेख समांतर रेखा का सरल रेखा होता है तो एक्स अक्ष का यानी बाई बराबर ए होता है ठीक है दोस्तों। चौथा पॉइंट, समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा एन इक्वेशन ऑफ दी बाई टाइप्स रिप्रेजेंट ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन बाई बराबर एम एक्स। तो बाई बाई एक्सिस का होगा एक्स जीरो, अगर एक्स एक्सिस होगा एक्स तो बाई जीरो। इफ द पॉइंट्स ऑफ 3.34 लाई लीज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3 by x + 7 फाइंड द वैल्यू ए। यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3 y = x + 7 के आलेख पर स्थित है तो ए का मान ज्ञात करो। देखो बिंदु पॉइंट्स है 3 4 3 4 3 4 तो एक्स बाई आ गया, समीकरण हमारा दिया इक्वेशन दिया है तो बाई का मान देखो, बाई का मान 4 4 यहाँ रख दिया, ए इंटू 3 एक्स का मान 3 आ गया प्लस 7 4 3 12 और डिजिट को डिजिट तो प्लस उल्टा माइनस हो गया, ये हो गया 5 है ना, ये देखते हैं मल्टीप्लाई कर आंसर होता है तो यार आंसर आ गया बाय 5/3। फॉर एन एट का फॉर्मूला दोस्तों ये होता है 9c/5+32। तो फॉर एन एट सेल्सियस का मानो सी का 50 दिया है तो सी को हमने 50 यहाँ रख दिया, 5 2 50 10 में 90 9+32 कितना हो गया 122 ठीक है दोस्तों। देखिए 4.4 इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस के समांतर रेखाओं के समीकरण 2x + 1 = x - 3 दो को हल कीजिए। पहला है रेखा के निरूपित करो और दूसरा है कार्तीय पर निरूपित कीजिए, तीसरा है 1 वेरिएबल्स और चौथा 2 वेरिएबल्स ठीक है। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, 2 और उसका हिंदी में रिप्रेजेंट नंबर्स लाइंस कार्टेशियन प्लेन्स, एक चार को बोलते हैं 1 वेरिएबल, दो चार को 2 वेरिएबल्स। इसको सोल्व करते हैं 2x + 1 x - 3 तो एक्स को इधर लेकर माइनस में प्लस को माइनस हो गया तो एक्स का आंसर आएगा -4 - -+3 4। देखो पहला क्वेश्चन था पहला रिप्रेजेंट लाइन, रिप्रेजेंट लाइन का मतलब हो गया रेखा पर निरूपित, तो हमने रेखा पर निरूपित कर दिया माइनस में -4 कर दिया। दूसरा हमारा है कार्तीय तल निरूपित यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो दोस्तों को दूसरा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट पर हमने कर दिया, 0 को माइनस में लाइन खींच दिया एक्स को -4। अब दोस्तों क्या है एक चर यानी 1 वेरिएबल्स, तो 1 वेरिएबल का मतलब हो गया देखिए कि मतलब ये एक लाइन होगा खींच की छोड़ दो इसको 1 वेरिएबल बोलते हैं दोस्तों। अब आते हैं 2 चर यानी 2 वेरिएबल्स, मतलब कि 2 वेरिएबल का मतलब हो गया कि देखिए यहाँ पर है फोर्थ क्वेश्चन है ना, फोर्थ यहाँ पर है 2 चर यानी कि 2 वेरिएबल्स, तो इसका हो गया दोस्तों कि लाइन जो खींचोगे ना इसको आप लाइन डबल खींच दो, क्योंकि देखो ये आप लाइन से माइनस में तो इसको लाइन खींचेंगे ना तो डबल होता है, इसको बोलते हैं 2 चर वाले यानी एक्स तो है ही बाई भी हो गया ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और लोगों तक पहुंचा देना। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।